गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम बलराम तथा ने दंडक वन में 10 वर्ष अध्याय का वाचन करेंगे। ध्यान से आप सुनिए लेसन को। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भरत चित्रकूट में राम को लेने के लिए आते हैं, उन्हें मनाने आते हैं, किंतु राम नहीं चाहते हैं, वे अयोध्या नहीं लौटते हैं। काफ़ी मनाने पर भी वे वहीं रहते हैं कि मैं वन में ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। हार कर भरत को अयोध्या लौटना पड़ता है और वे कहते हैं कि मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा। सभी अयोध्यावासी लौट चुके होते हैं, भरत भी चले जाते हैं, लेकिन राम बड़े चिंतित रहते हैं। राम सोचते हैं कि मुझे अब चित्रकूट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अयोध्या से 4 दिन की यात्रा करके लोग वहाँ आसानी से आ जाया करते थे और राम से कुछ न कुछ पूछा करते थे। तो राम ने अब चित्रकूट को छोड़ने का मन बना लिया। तो दंडक वन में 10 वर्ष में रहे, तो अगला लेसन हमारा यही है, दंडक वन में 10 वर्ष, इसी का वाचन हम करेंगे। ध्यान से आप सुनिए। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी, सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी, कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी, पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी, हिरण कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पांडवकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मन कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था, लोगों का आना जाना लगा रहता, वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाने का चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न रहने का। इसका एक कारण और था कि वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था, अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आथमकते थे, यज्ञ में बाधाएं डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। अब राम ने सोच लिया था कि अपने चित्रकूट में नहीं रहेंगे। उसका एक कारण ये भी था चित्रकूट को छोड़ने का, कि वहाँ जो ऋषि मुनि रहते थे, राम ने उन सभी ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले, राम और लक्ष्मण ने उन सभी ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले राक्षसों का सफाया कर दिया था, राक्षसों को मार डाला था, इसलिए अब सब ऋषि मुनि वहाँ आराम से रह रहे थे। तो यही सोचकर उन्होंने यह निर्णय किया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने मुनि अत्रि से विदा ली और वे वहाँ से तीनों वनवासी कौन, राम लक्ष्मण और सीता, तीनों वनवासी वहाँ से निकल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, दंडकारण्य यानी दंड का अरण्य, दो शब्द मिले हैं इसमें, दंडकारण्य अर्थात दंड प्लस अरण्य, अरण्य यानी वन जंगल, अरण्य किसका पर्यायवाची है, वन जंगल का, दंडक अरण्य वन जंगल। तो दंडक वन दंड जंगल बहुत घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हो गए। अब इस दंडक वन में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, सभी ने, और बहुत ही सुंदर वन था, बहुत सारे पशु पक्षी और वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधों से परिपूर्ण था। कई तपस्वियों के यहाँ आश्रम थे, राक्षस भी वहाँ कम नहीं थे। तपस्वी जितने थे उतने ही राक्षस थे, और वे राक्षस उनके यज्ञों में, अनुष्ठानों में, उनके जो भी अच्छे कार्य ऋषि मुनि करते थे उसमें वो विघ्न यानी रुकावट डालते थे। तो जब राम उस वन में आए तो राम को देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में
दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, उन्हें न मारे, जिससे उनका कोई जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है, कोई बुरा नहीं किया है। तो राम ने उन्हें समझाया, सीता चाहती थी, जैसे ऋषि मुनि चाहते थे कि राम राक्षसों का नाश कर दे, लेकिन सीता कुछ और सोच रही थी। सीता सोच रही थी कि बेवजह ही राम उन राक्षसों को क्यों मारे जिन राक्षसों ने राम का कोई अहित नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया। सीता अपने अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार सोच रही थी। वह राक्षसों के लिए सोच रही थी कि जिन राक्षसों ने वो ये कहना चाह रही थी कि जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं दिए, तो हम उन्हें क्यों मारें, है ना, वो ऐसा सोच रही थी। तो राम ने उन्हें समझाया कि सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मायावी यानी तरह तरह की माया को रच डालते हैं, कभी किसी वेश में, कभी कहीं पर कुछ, तो इस तरह की माया जाल को वो यहाँ पर बिछाते रहते हैं। मायावी राक्षस हैं वे, मुनियों को कष्ट पहुँचाते हैं, इसीलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो राम उन्हें कहते हैं कि वे राक्षस मायावी राक्षस हैं और बहुत ही अधिक परेशान करते हैं ऋषि मुनियों को, और मैंने सभी ऋषि मुनियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मैं उन सबकी रक्षा अवश्य करूँगा और उन राक्षसों से उन्हें बचाऊँगा। अगले पेज पर हम चलते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे हैं। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षणभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा कि राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अब यहाँ रहना असंभव है। अब वहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे और कई स्थान और आश्रम में बदलते हुए क्षणभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। सभी जहाँ 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 जो जो आश्रम रहते थे वन में, वो कुछ दिन उन आश्रमों में रह गए और राम लक्ष्मण उन आश्रमों में रहकर उन ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले राक्षसों का सफाया करते और फिर अगले आश्रम की ओर बढ़ जाते। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था, वे स्थान और आश्रम बदल रहे थे, तो वे एक दिन क्षणभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर जब देखा कि बहुत ही कम तपस्वी वहाँ बचे हैं और बहुत निराश थे सभी ऋषि मुनि, तो उन्होंने राम को एक हड्डियों का ढेर बताया और कहा कि ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, इसलिए अब यहाँ पर ऋषि रहना नहीं चाहते और यहाँ से जा रहे हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे, या उन्होंने एक ऋषि ने जिनका नाम सुतीक्ष्ण ऋषि था, उन्होंने बताया राम को कि किस तरह से राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे हैं, और उन्होंने अगस्त्य ऋषि से राम को भेंट करने के लिए कहा कि अगस्त्य ऋषि वही ऋषि थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया था, वो पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वही बिताया। दंडक वन की बात, उन्होंने दंडक वन में भी 10 वर्ष रहे और वनवास का बाकी का समय उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के स्थान पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। जब वे पंचवटी की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक विशालकाय गिद्ध पक्षी मिला, जटायु, जिसका नाम क्या था, जटायु था। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई, वो बहुत ही बड़ा विशालकाय यानी बहुत ही बड़ा पक्षी था जिसे देखकर सीता डर जाती है। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा, लक्ष्मण समझा कि राक्षस बहुत होते हैं तो हो सकता है यह भी कोई राक्षस ही हो, जो मायावी राक्षस हो जो इस तरह का रूप धारण करके हमारे सामने आया है। वे धनुष उठा रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए कुश और पत्तों से छप्पर डाला, कुश यानी जो फूल और पत्ते जो बेलें होती हैं। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया।
कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। कि पंचवटी में एक बहुत ही सुंदर स्थान पर लक्ष्मण ने एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई और उसने मिट्टी की दीवारें खड़ी की, खंबे लगाए, बांस के खंबे लगाकर पत्तों से ढकी हुई एक बहुत ही सुंदर उन्होंने कुटिया तैयार की। और वहाँ का वातावरण भी बहुत ही सुंदर था, सुरम्य वातावरण था, पक्षी चहचहाते थे, मोर नाचते थे, हिरण घूमते थे, है ना। ऐसी जगह जगह पुष्प लताएं थी, फूलों की बेलें बिछी हुई थी। तो ऐसे सुंदर स्थान पर लक्ष्मण ने सभी के लिए, उन तीनों के लिए कुटिया वहाँ पर बनाई। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे और वहाँ रहकर राम निरंतर लगातार ऋषि मुनियों की रक्षा करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मार दिया। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। अब राम धीरे धीरे सभी राक्षसों को वहाँ से, राक्षसों का वध करने लगे। और जो जैसे भी जो भी राक्षस आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। एक राक्षस विराट करके जो नाम था विराट, उस राक्षस ने सीता को पकड़ने का प्रयास किया तो राम ने उस राक्षस को भी मार दिया। तो इस तरह से वन से दंडक वन से राक्षसों का अस्तित्व बिल्कुल ही मिट गया। सभी तपस्वी शांति से वहाँ पर तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई, मोहित यानी उन पर रिझ गई, उन्हें राम पसंद आ गए। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, तो उसका चेहरा तो बिगड़ा हुआ था, विकृत यानी बिगड़ा हुआ चेहरा था, मुंह पर झुर्रियाँ, वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त हो गई थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। वैसे ही राम और लक्ष्मण एक दिन बैठे हुए थे, राम लक्ष्मण और सीता, तो रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। उसने राम को देखा और राम पर मोहित हो गई, है ना, राम उन्हें पसंद आ गए। अब उसने स्वयं को देखा तो स्वयं तो एक बूढ़ी सी थी, झुरिया थी, उसका चेहरा तो बहुत ही विकृत था, इन्हें बिगड़ा हुआ चेहरा था। तो उसने माया से, अपनी माया से उसने स्वयं को एक सुंदर स्त्री के रूप में बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली कि हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी, अगले पेज पे, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सब सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अब राम तो पहचान गए थे कि ये शूर्पणखा है, फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। अब पहले तो जैसे शूर्पणखा ने अपना सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास गई और राम को कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम कौन हो रूपराज, है ना, मेरी इच्छा पूरी करो कि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि अपना परिचय दे दिया कि मैं तो राम हूँ, सीता मेरी पत्नी है, मैं तो विवाहित हूँ, है ना, मेरा विवाह तो हो चुका है। वे तो पहचान गए थे शूर्पणखा को, फिर भी उन्होंने शूर्पणखा से पूछा कि भाई अपना परिचय बताओ। तो शूर्पणखा ने सब सच सच बताया कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है, मतलब उसका विवाह नहीं हुआ है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, देवी मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। अब दोनों भाइयों के लिए खेल हो गया, शूर्पणखा उनके बीच इधर उधर भागती रही। हमने रामायण में भी देखा था इस प्रसंग, है ना, शूर्पणखा वाला प्रसंग देखा होगा आप लोगों ने, कि उसमें भी यही बताया था कि राम लक्ष्मण के पास शूर्पणखा को भेजते हैं, शूर्पणखा राम के, फिर लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं, इस तरह दोनों भाई एक दूसरे के पास भेज कर हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्रोध में आकर अब शूर्पणखा गुस्सा आ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरे को मजाक समझ रखा है उन्हें, इधर उधर मुझे भेज रहे हैं। अब उसे गुस्सा आ गया, उसने सीता पर झपट्टा मारा।
सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण अब जैसे उसने सीता पर आक्रमण किया, सीता पर चपट्टा मारा, लक्ष्मण तत्काल उठकर खड़े हुए। लक्ष्मण ने अपनी तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। अब खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भाग गई अपने भाई खर और दूषण के पास। उसके सौतेले भाई थे वे दोनों और उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा को की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम यानी वीरता, राम की वीरता से वह चकित थी। क्रोध भी उसका बढ़ गया। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। अब वे स्वयं चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। अब जब उनके राक्षस जो भेजे थे वो राक्षसों को राम ने मार डाला, तो खर स्वयं जाते हैं, खर स्वयं सेना के साथ जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, जब वो जाते हैं तो आसमान काला पड़ जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी अजीब स्थितियाँ होती हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है, फिर भी वे युद्ध करते हैं। दोनों में युद्ध होता है और अंत में राम की विजय होती है। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहाँ से भाग निकल गए। पिछलग्गू यानी जो पीछे से जो बच गए थे, है ना, कुछ राक्षस पीछे से उनके मरने के बाद पीछे से जो राक्षस बच गए खरदूषण के मरने के बाद, जो बाद में जो राक्षस बच गए थे पिछलग्गू यानी पीछे से जो राक्षस बच गए, वो सभी जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास पहुंचा। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब एक राक्षस उसमें से बच गया था अकंपन, वही सीधा जाता है और रावण के पास जाता है, पूरी घटना रावण को बताता है और कहता है कि राम बहुत ही कुशल योद्धा है और उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसलिए मुश्किल से उन्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। बस राम को मारने का एक ही उपाय है कि हम सीता को अपहरण कर लें, सीता को राम से दूर ले जाएं। अगर सीता राम से दूर हो जाएगी तो राम स्वयं ही मर जाएंगे, उनके प्राण निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। मारीच कौन था? वही जो सोने का हिरण बनता है। मारीच कौन था? जो सोने का हिरण बनकर रावण, जिसको सोने का हिरण बनाकर और सीता के सामने भेजता है, वही मारीच। मारीच तारका का पुत्र था और राम पहले ही तारका का वध कर चुके थे, है ना, हमने पढ़ा था विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करते हुए उन्होंने तारका का वध किया था। तो राम पहले ही तारका का वध कर चुके थे। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। अब मारीच तो जानता था कि तारका का वध मेरी माँ का वध उन्होंने किया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि राम के पास बहुत शक्ति है और राम का सामना मैं नहीं कर सकता। उन्होंने रावण को भी मना किया कि तुम ऐसा मत करो, सीता का हरण मत करो। समझाया, कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। अब जब रावण अकंपन के कहने से जब सीता को हरण करने जा रहा था तो मारीच मिला। मारीच ने बीच में समझाया कि ऐसा मत करो, राम बहुत शक्तिशाली है और तुम्हारा कुछ नहीं मिलना है तुमको और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए तुम वापस लंका चले जाओ। अब राम अकंपन उसकी बात मारीच की बात मानकर और वो वापस लंका लौट जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद शूर्पणखा वहाँ लंका पहुँचती है, बहुत जोरों से रोती हुई, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती हुई, और पूरी घटना की जानकारी वह रावण को सुनाती है ना, रावण को बताती है। अब रावण को तो पता था
कि क्या बोल रही है, सब कुछ जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो शूर्पणखा को सुनता है। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी उसके पौरुष को, यानी उसके साहस को ललकार रही थी। शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह गति, दुर्गति यानी बुरी गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तो किसी को मुंह दुखाने लायक नहीं रहा है। वो इस तरह शूर्पणखा रावण को कहती कि तेरे भाई होते हुए मेरी ये तेरी बहन की इस तरह हालत हो गई है ना, नाक कान मेरे काट दिए गए हैं, किस काम का है तुम्हारा ये बलवान होना, तुम्हारा शक्तिशाली होना किस काम का है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी, अतीव यानी बहुत अधिक सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया, खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी, मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पहुंचने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाग गया, जान गया कि मारीच क्या सोच रहा है। मारीच तो समझता था, जानता था कि अगर मैं राम के सामने गया तो राम मुझे नहीं छोड़ेंगे, है ना, वो जानता था। तो रावण वो ये सोच ही रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा, रावण उसके मन की बात को जान लेता है। रावण क्रोध में आकर कहता है कि वहाँ जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया, कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के नीचे पीछे छिपा हुआ था, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। ये घटना भी हमने रामायण में देखी है ना, इसको आप लोगों ने देखा है रामायण में। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, मुग्ध यानी उसे वो हिरण पसंद आ गया, मोहित हो गई वो उस हिरण। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था कि सोने का हिरण कैसे हो सकता है, वो भी इस जंगल में सोने का हिरण कहाँ से आ सकता है, उन्हें संदेह था। वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े भय की बात से सहमत थे, लक्ष्मण को भी पता था कि ये बात तो हो नहीं सकती, पर सीता के आग्रह में आगे उसकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा कि वन में इतने समय के प्रवास के दौरान, प्रवास यानी यात्रा के दौरान, सीता ने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया, कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटिया में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। हमने यहाँ तक ये सारे सीन हमने रामायण में देखे हैं। तो इस तरह जब मारीच सोने का हिरण बनकर कुटिया के आसपास घूमने लगता है, तो सीता उस जैसे उस हिरण को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और राम को कहती है कि मेरे लिए सीता यह सोने का हिरण ले आओ। अब राम समझाते हैं कि नहीं, ये कुछ संदेह होता है, ये भी सोने का हिरण कहाँ से आ सकता है, लेकिन सीता मानती नहीं है कि नहीं मुझे तो चाहिए। अब इतनी पूरी यात्रा में, पूरे इतने वर्षों में कभी सीता ने कुछ नहीं मांगा, और एक हिरण मांगती है तो राम लगता है कि मुझे देना चाहिए, तो राम उस हिरण को लाने के लिए चले जाते हैं और लक्ष्मण को कह के जाते हैं कि तुम यहाँ पर सीता की रक्षा करना। तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर खड़े होकर सीता की रक्षा करते हैं। तो लेसन ही कंप्लीट होता है, इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी, वो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।